गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पिटिशनर के पक्ष है उसके बारे में और जो रिस्पोंडेंट का पक्ष है वो, और ये आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि इसका पक्ष भारी हो सकता है इसमें। बाकी जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते, बाकी एक आप एवरेज आइडिया लेके चल सकते हैं कि किसके पक्ष में जो है जजमेंट आने की संभावना है। अब बात करते हैं जजमेंट जो जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनके बारे में। तो आप सभी को पता है जब पहले हियरिंग हुई थी तो उसमें माथुर साहब थे जो पिटिशनर की तरफ से थे, आर एन माथुर सर, और अपोजिट में थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद साहा जी, ठीक है। तो उस वक्त भी जो है माथुर सर ने जो जजमेंट कोर्ट करे थे वो करे थे सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट का, दोनों जजमेंट कोर्ट करे थे। और जो राजेंद्र प्रसाद साहा जी थे इन्होंने जो था वो कोर्ट किए थे नोटिसफिकेशन में, जो भी इन्होंने मेंशन करा है वो। अब यहाँ पर उस टाइम पर कोर्ट ने जो है इनके पक्ष को स्ट्रांग मानते हुए उन कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया था पिटिशनर्स को, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने जो है राजेंद्र प्रसाद साहा जी ने जो नोटिसफिकेशन वाले जो आर्ग्यूमेंट दिए थे उसको इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं माना था। सिमिलरली अब जो आर्ग्यूमेंट चल रही है तो यहाँ पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट्स पूरी हो चुकी है, वही माथुर साहब ने करी है और वापस उन जजमेंट्स को कोट करा है सुप्रीम कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट वाले जजमेंट्स को। और जो राजेंद्र प्रसाद साहा जी हैं उन्होंने जो वो जो आर्ग्यूमेंट में कोट कर रहे हैं वो कोट कर रहे हैं नोटिसफिकेशन को, कि हमने नोटिसफिकेशन में ये सारे बता दिया था कि हम कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट लेने हैं उनको। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पहले कोर्ट ने कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया था माथुर साहब के जजमेंट को हैवी मानते हुए, तो यहाँ पर भी मुझे ये लगता है कि उनका पक्ष स्ट्रांग रहेगा और हो सकता है कि सारे कैंडिडेट्स जो 196 प्लस वाले हैं पिटिशनर उनको कोर्ट अलाउ कर दे, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि पहले कोर्ट ने जब ये कराया तो वापस वो अपने उसको तो खुद के जजमेंट को तो वापस कॉल बैक करेगा नहीं, है ना, रिकॉल करेगा नहीं उसको। इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 196 वाले अलाउ हो जाएंगे इसमें। अब रही बात दूसरी कि क्या जो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होने वाली है उस पर कोई असर पड़ेगा, तो देखो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो सेकंड वीक में बताई थी मैंने आपको कि सेकंड वीक तक उनके कॉल लेटर इशू हो जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर। बाकी संभावना ये है कि अगर जजमेंट उससे पहले आ जाता है, ठीक है, तो हो सकता है वो होल्ड पर चले जाए वो जो आपकी ज्वाइनिंग है। बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक के लिए वो होल्ड पर चले जाए, ठीक है, बाकी चांसेस कम है। लेकिन अगर जजमेंट उससे पहले आ जाता है, क्योंकि आज हियरिंग होगी वापस और आज जजमेंट आ जाए या फिर मंडे को आ जाए और उससे पहले अगर आपका लेटर इशू नहीं होते हैं तो हो सकता है आपका वो होल्ड पर चला जाए, क्योंकि फिर वो कट ऑफ चेंज होने की संभावना बनी रहती है इस वजह से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।